लीडर मींस दैट फर्म विच इज मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर बिग, वो जो भी करेगा मार्केट में जो डिसीजन लेगा आउटपुट से रिलेटेड उन्हीं डिसीजंस को कॉपी करेगा फॉलोअर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। सो गाइस, जो हम लोग सीरीज बना रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के, उसी सीरीज का आज एक नेक्स्ट वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैकलबर्ग मॉडल ऑफ ड्यूओपोली। ओके गाइस, सो सी गाइस, हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो कारनॉट पे बना चुके हैं, आप कारनॉट का वीडियो देख सकते हैं। सो द स्टैकलबर्ग मॉडल जो है वो भी आपका काफ़ी कुछ कारनॉट मॉडल जैसा है, बस इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं कारनॉट मॉडल के कंपैरिजन में। सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आज का वीडियो देखिए, आपको ये मॉडल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और कारनॉट मॉडल आप इसी जो सीरीज है प्लेलिस्ट में जा करके कारनॉट का भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। So, I told you, let's get started with the Stackelberg. I told you that this model is somewhat similar with Carnot model. So, kis tarah se similar hai? It is similar in the essence ki just like Carnot model, yahan pe bhi variable quantity hai. Yani jo change laya jayega, wo quantity of produced mein laya jayega. Kitne goods produce kare ja rahe hain, usme firms khelenge, usi mein change layenge. Theek hai? ठीक है, सो यहां पे वेरिएबल क्या होगा, जस्ट लाइक कारनॉट मॉडल हियर वेरिएबल इज क्वांटिटी। डिफरेंस क्या है यहां पे, कारनॉट मॉडल से ये डिफरेंट है किस एस्पेक्ट में, इस एस्पेक्ट में कि कारनॉट मॉडल में दोनों फर्म्स, ये ड्यूओपोली के मॉडल्स हैं, चाहे कारनॉट मॉडल हो चाहे स्टैकलबर्ग मॉडल हो, ये ड्यूओपोली है, यानी यहाँ पे दो फर्म्स हैं, तो बोथ द फर्म्स वर डिसाइडिंग द आउटपुट साइमल्टेनियसली इन कारनॉट मॉडल। कारनॉट मॉडल में दोनों फर्म्स एक साथ डिसाइड कर रही थी, साइमल्टेनियस डिसीजन था कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर रही थी, राइट। लेकिन अगर आप स्टैकलबर्ग की बात करें तो फर्म्स प्रोडक्शन डिसाइड करती हैं इंटरडिपेंडेंस के बेसिस पे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो इंटरडिपेंडेंस इज अ कीवर्ड हियर, ठीक है। यहां पर होता क्या है कि एक फर्म जो पहले प्रोड्यूस करने का डिसाइड करती है उसे हम लोग लीडर कहते हैं यहां, ठीक है। एक फर्म जो पहले प्रोडक्शन करेगी दैट विल बी कॉल्ड एज लीडर, और लीडर में सर्टेन क्वालिटीज होती हैं, बिगर फर्म होती है ये उस सेक्टर में, ओल्ड फर्म होती है यानी इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा एक्सपर्टीज होती हैं, मार्केट सेम होता है लेकिन इट इज़ ओल्ड फर्म, बिगर फर्म, मोर एक्सपीरियंस्ड फर्म विद मोर एक्सपर्टीज, ऐसी फर्म पहले अपना प्रोडक्शन करती है, या आप ऐसे बोल लीजिए कि वो पहले डिसाइड करती है प्रोड्यूस करने को, उसे लीडर फर्म बोला जाता है। दूसरी फर्म हम जो है उसका एक काम है कि वो लीडर को फॉलो करे, जैसे ही मैंने कहा फॉलो करे, नाम अपने आप क्लियर हो जाता है कि जो सेकंड फर्म होगी वो फॉलोअर होगी, राइट। जो कुछ लीडर करेगा, लीडर मींस दैट फर्म विच इज मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर बिग, वो जो भी करेगा मार्केट में जो डिसीजन लेगा आउटपुट से रिलेटेड उन्हीं डिसीजंस को कॉपी करेगा फॉलोअर, यानी स्मॉलर फर्म है, न्यूअर फर्म है, ये इतनी एक्सपर्टीज नहीं है इसके पास। बोलिए बात समझ में आई, ठीक है। तो दिस वर्क्स ऑन अ लीडर फॉलोअर मॉडल। स्टैकलबर्ग मॉडल का इसी वजह से एक और नाम भी है, टॉप डॉग मॉडल। वी ऑल्सो कॉल दिस मॉडल एज टॉप डॉग मॉडल, या फिर आप इसको क्वांटिटी लीडरशिप मॉडल भी बोल सकते हैं। ओके,
बताइए, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं, अजम्पशंस की बात करते हैं। जस्ट लाइक एवरी अदर मॉडल, देयर आर सर्टेन अजम्पशंस हियर एज वेल। क्या है वो अजम्पशंस? पहला देखिए, फर्म्स आर आइडेंटिकल इन कॉस्ट एंड फेस द सेम मार्केट। यानी कि फर्म्स की कॉस्ट एक जैसी है और वो एक ही मार्केट में, ठीक है। सिर्फ दो फर्म्स हैं मार्केट में, तो पहली चीज तो है कि सेम कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं और सेम मार्केट में है फर्म्स। सेकंड क्या है, ओनली टू फर्म्स इन द मार्केट। मार्केट में सिर्फ दो ही फर्म्स हैं। MC is constant, marginal cost constant है, and no fixed cost, कोई fixed cost नहीं है यहां पर, ठीक है। यानी कि देखिए, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, marginal cost को C मान लीजिए, constant रहेगा, okay? और firms की intention क्या है? Firms की intention है to maximize their profit. बोलिए, बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए, बात समझिएगा। यहां पर हम लोग प्रॉफिट ऑफ सेकंड फर्म से स्टार्ट करेंगे अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल डेरिवेशन। क्यों? क्योंकि फर्म वन लीडर है, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो जानती है, एनालाइज कर लेती है कि फर्म टू क्या करेगा और वो कितना प्रॉफिट गैदर करेगा, और उसी हिसाब से वो अपना डिसीजन लेती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। प्राइस की वैल्यू ए माइनस बी क्यू है, ठीक है। क्वांटिटी क्यू इज द टोटल क्वांटिटी, इट विल बी क्यू वन प्लस क्यू टू, यानी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय फर्म वन प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय फर्म टू। मार्जिनल कॉस्ट यहां पर सी है, ओके? तो मैंने क्या कहा, प्रॉफिट ऑफ सेकंड फर्म से स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट को हम लोग पाए से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। So total revenue of firm 2 minus total cost of firm 2। बोलिए, इतनी बात समझ गए? टोटल रेवेन्यू क्या होगा? गुड का जो प्राइस है और जितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं, तो प्राइस इंटू क्यू टू, ओके। और टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो आप मार्जिनल कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा ना, ठीक है। चलिए, सो मार्जिनल कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट, सो क्यू इंटू सी हो गया ये, और क्वांटिटी कितनी? क्यू टू। बोलिए, ठीक है ना? अच्छा, क्लियर। अब एक काम करते हैं, यहां पर पी की वैल्यू रख देते हैं ए माइनस बी क्यू। अब क्यू देखिए, क्यू की वैल्यू दे रखी है क्यू वन प्लस क्यू टू, तो Q की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया Q1 प्लस Q2, A माइनस BQ P की जगह रख दिया, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है Q2 से माइनस Q2 इंटू C। इसको ओपन कर लीजिए तो हो जाएगा A Q2 माइनस B Q1 Q2 माइनस B Q2 स्क्वायर माइनस Q2 C, ठीक है। अब देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है फर्म्स को। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं मैथ्स के टर्म्स में? हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये प्रॉफिट है फर्म टू का, इसको डिफरेंशिएट करके हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। डिफरेंशिएशन करना होगा डी ऑफ पाई टू, किसके रिस्पेक्ट में? क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। किसकी क्वांटिटी? फर्म टू की, और इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए। तो चलिए, इसको डिफरेंशिएट करिए क्यू टू के रिस्पेक्ट में, तो यहां क्या आ जाएगा ए, यहां क्या आ जाएगा बी क्यू वन, यहां क्या आ जाएगा टू बी क्यू टू माइनस सी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पर इसको जीरो से इक्वेट कर रहा हूं, सो ए माइनस बी क्यू वन माइनस टू बी क्यू टू माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, राइट। देखिए, बहुत इजीली मैं यहां से Q2 का एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लूंगा,
Q2 equals to A minus C upon 2B. Okay? Minus Q1 upon 2. बोलिए, ये प्रॉफिट आ गया मेरा फर्म 2 का. ओके, क्लियर? ठीक है, देख लीजिए एक बार. अब हम लोग एक काम करते हैं, प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 निकालते हैं. सो पाई वन क्या होगा? टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म 1 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म 1, प्राइस इंटू Q1 माइनस Q1 इंटू सी. प्राइस की वैल्यू क्या थी? ए माइनस बी क्यू. डायरेक्ट रख रहा हूं मैं, ए माइनस बी क्यू की जगह मैं रखूंगा Q1 प्लस Q2, राइट, इंटू Q1 माइनस Q1 सी. अंदर मल्टीप्लाई करिए, ओपन करिए इसको. सो ए Q1 माइनस बी Q1 स्क्वायर माइनस बी Q1 Q2 माइनस Q1 सी. ये मेरे पाई 1 की वैल्यू आ गई. अब मैं यहां पर एक काम करने जा रहा हूं, ध्यान दें. Q2 की जगह, Q2 की मैं वैल्यू ऊपर निकाल चुका हूं, A माइनस सी अपॉन 2B माइनस Q1 अपॉन 2. उस वैल्यू को मैं डायरेक्टली यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. तो अब देखिए मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा A Q1, ठीक, माइनस बी Q1 स्क्वायर, राइट, माइनस बी. Q2 की वैल्यू क्या है? A माइनस सी अपॉन 2B माइनस Q1 बाय 2. लिखिए A माइनस सी अपॉन 2B, राइट, इंटू Q1 प्लस, अब दूसरा क्या था, Q1 बाय 2. Q1 यानी Q1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस Q1 सी इक्वल्स टू 0. इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, A Q1 माइनस बी Q1 स्क्वायर माइनस A Q1, ये B कैंसिल हो जाएगा, A Q1 अपॉन 2 प्लस C Q1 बाय 2. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्लस B Q1 बाय 2 माइनस Q1 C. देख लीजिए, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आपस में, वैल्यूज को कैंसिल वगैरह करके, इसको सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, आपको मिलेगा A Q1 माइनस B Q1 स्क्वायर माइनस Q1 C बाय 2. फिर से मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना होगा. डिफरेंशिएट करिए, 1/2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? A माइनस 2B Q1 माइनस C, राइट, इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए, Q1 की वैल्यू आ जाएगी A माइनस सी बाय 2B. ये मेरी Q1 की वैल्यू आ गई, राइट और रॉन्ग. इस वैल्यू को उठा करके मैं अपने Q2 के एक्सप्रेशन में रख सकता हूं. क्यों? क्योंकि Q2 की वैल्यू क्या थी? A माइनस सी अपॉन 2B माइनस Q1 बाय 2, राइट. Q1 की वैल्यू आ गई, यहां पे रख दीजिए वैल्यू, A माइनस सी बाय 2B माइनस A माइनस सी अपॉन 2B इंटू 1/2. तो Q2 की वैल्यू आ जाती है A माइनस सी अपॉन 4B. तो सी गाइस, हमें Q1 और Q2 दोनों की वैल्यूज मिल गई. इस पे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, आप इस पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो में एक दो न्यूमेरिकल इसके आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा. आई होप आपको स्टेकलबर्ग मॉडल क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा. कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, उस डाउट को रिजॉल्व करने के लिए भी हम लोग वीडियो बना देंगे. थैंक यू गाइज़.